तो दोस्तों स्वागत है सभी का एक और न्यू ड्रैगन प्रिंस वन की वीडियो के अंदर में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज़ो वन अब निकल चुका है दो तरीके के जेनेसिस फूड को अपने लिए अपटेन करने, ताकि वो ज़ो डायनेस्टी को और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में गेन करा सके, साथ ही साथ अपनी मॉम की लाइफ को इंक्रीज करे, जिसके लिए उसे जाना पड़ेगा ब्लैक वाटर रिविन्स के अंदर में। और उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान उसकी हेल्प कर सकता है, वो है वी कांगलांग। और वी कांगलांग अभी फिलहाल ज़ो डायनेस्टी से थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा है, क्योंकि जब उसकी फाइट वेनम सिटी के किंग के साथ हो रही थी तब ज़ो वन के फादर वहाँ पे उसे हेल्प करने नहीं जा पाए, जिस वजह से उसका जो बेटा है वो बर्थ से लेके अभी तक मियास्ला पॉइजन से अफेक्टेड है और उसकी बॉडी पूरी तरीके से पैरालाइज हो गई है। और यही कारण है कि उसने अब तक जो भी जिंदगी को काटा है वो सिर्फ और सिर्फ बिस्तर पे काटा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ज़ो वन कैसे उसको ठीक करेगा और वी कांगलांग को अपनी साइड कर लेगा, ताकि वो ब्लैक वाटर रुइंस में जाकर उस दोनों जेनेसिस फूड को ढूंढ सके। तो रिसेंट की कहानी आप लोगों ने लेटेस्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि किआओ एक तरीके का न्यू जेनेसिस रिविन मास्टर को लेके आता है, जो कि एक्चुअली में हेल्प करेगा वी कांगलांग के बेटे के मियास्मा पॉइजन को एक्सट्रैक्ट करने में। जिसे सुनने के बाद ऑब्वियसली वी कांगलांग और उसकी जो बेटी थी वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे कि फाइनली उनका जो बेटा है अब वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद किआओ उस जेनेसिस रिविन मास्टर को लेकर वीज रेसिडेंस पे पहुंचता है, जहाँ पर वी बिन काफी दिनों से उस मियास्मा पॉइजन से तड़प रहा था। वहाँ जाने के बाद ही वी कांगलांग उस जेनेसिस रिविन मास्टर को देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में एक थर्ड ग्रेड के जेनेसिस रिविन मास्टर थे और उनको लग रहा था कि वो लोग आखिरकार उसके बेटे को ठीक कर ही देंगे। इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। ज़ो वन भी उनके साथ वहीं पर गया था ताकि वो वी कांगलांग की थोड़ी मोड़ी हालचाल पूछ सके। और वहाँ जाते ही पूछता है कि आपका क्या हाल है, तो वहीं पर वी कांगलांग काफी उखड़ा उखड़ा उसको जवाब देता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा बोलने के बाद वी कांगलांग उस जेनेसिस रिविन मास्टर से बातचीत करने लगते हैं। वहाँ पर जेनेसिस रिविन मास्टर बताते हैं कि चलिए अब आपके बेटे का चेकअप करेंगे। तो यहीं पर ज़ो वन वी कांगलांग से परमिशन मांगता है कि मैं भी एक तरीके से जेनेसिस रिविन को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और अगर मैं थर्ड ग्रेड जेनेसिस रिविन मास्टर को देखूंगा यहाँ पर परफॉर्म करते हुए तो मैं काफी कुछ सीख सकता हूँ। जिसे सुनने के बाद वो जो जेनेसिस रिविन मास्टर था थोड़ा घमंड में आके बोलता है हाँ हाँ तुम चल सकते हो मेरे साथ। तो वहीं पर वी कांगलांग इस चीज की परमिशन दे देते हैं और वो सभी लोग एंटर करते उस रूम के अंदर जहाँ पर वी भी तड़प रहा था। वहाँ पर एंटर करते सभी लोगों को काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन फील होती है, जिसके बाद काफी लोग तो उसको झेल भी नहीं पा रहे थे। और वहाँ पर देखते हैं कि वी बिन उस पॉइजन से काफी ज्यादा तड़प रहा है, और वी बिन को ऐसा तड़पता देख उसके सिस्टर और वी कांगलांग दोनों ही काफी ज्यादा दुखी हो जा रहे थे। तो वहीं पर वी कांगलांग उस जेनेसिस रिविन मास्टर से कहते हैं कि आप जल्दी से इसका चेकअप स्टार्ट करिए। जिसके बाद वो जेनेसिस रिविन मास्टर अपने ब्रश को निकालते हैं और कुछ रुइंस को उसके बॉडी के ऊपर में इम्प्रिंट करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो बताते हैं कि एक्चुअली में ये थर्ड ग्रेड वन इम्प्रिंट है, जिसकी मदद से ये जो मियास्मा पॉइजन है वो काफी आसानी से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो जेनेसिस रुइन है वो वीबिन को बॉडी को बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। और उस रुइन को अप्लाई करते ही उसका असर दिखना स्टार्ट हो जाता है। उसके पास जितने भी मियास्मा पॉइजन थे सब एक जगह पे गैदर होना स्टार्ट होती है और उसकी बॉडी से अचानक से सब बाहर आ जाता है। उसके बाहर आते ही वो जो जेनेसिस रुइन मास्टर थे वो कहते हैं कि तुम मेरे जंगल से बचकर नहीं निकल सकते, और वो उसे पकड़ के खत्म करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो अचानक से वहाँ पे गायब हो जाता है। जिसके बाद सभी लोग देखते हैं कि वीविन के बॉडी के अंदर में मियास्मा पॉइजन का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं दिख रहा, और सब लोग काफी ज्यादा खुश हुए कि अब फाइनली वीविन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। जिसे देखकर याव बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसके फेस के ऊपर में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता। वीविन जैसे ठीक हो जाता है वी कांगलांग और जेनेसिस रिविन मास्टर को काफी ज्यादा थैंक यू बोलते हैं, लेकिन वो पहले से ही चापलूस बन के आया था। वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ किंग की मदद से हुआ है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं पर्सनली जाके उन्हें थैंक यू बोलूंगा। और इन सभी बातों को सुनकर ज़ो वन काफी ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब वी कांगलांग की हाउ की हेल्प करेंगे ब्लैक वाटर रुइंस के अंदर में, ना कि ज़ो डायनेस्टी की। इसके बाद थोड़ा सा उदास था, लेकिन तभी याव्या वहाँ पे बताती है कि इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत क्या है। तो वहीं पर जेनेसिस रिविन मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और किआओ कहते हैं कि वी बिन पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तो अब हम लोग खुश क्यों ना हो। तो याव्या वहाँ पर बताती है कि एक्चुअली में वी बिन पूरी तरीके से अभी तक तो ठीक हुआ ही नहीं है। जिसे सुनने के बाद वो जो रिविन मास्टर थे वो वी कांगलांग से कहते हैं कि ये लड़की आपके सामने मेरी बेइज्जती करे, आप कुछ बोलेंगे नहीं। तो वहीं पर वी कांगलांग भी उस लड़की के ऊपर भड़क जाते हैं। तो वहाँ पर याव्या जाके चेक करती है और कहती है कि अभी तक तो ये पॉइजन इसके बॉडी से निकला ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे जाके एकत्रित हो गया। अगर आप लोगों का अभी भी चेक करना है तो एक सिल्वर नीडल को लेके उसके हिप से थोड़ा सा 3 इंच ऊपर उसे पॉइंट आउट करिए, तो सारा का सारा जो पॉइजन है सारे इसलिए बाहर आ जाएगी। तो वहाँ पर जेनेसिस रिविन मास्टर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये ठीक हो चुका है। इसके बाद ही ज़ो वन वी कांगलांग को बताता है कि हमें एक बार चेक करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर वी बिन की लाइफ और डेथ की सिचुएशन है। इसके बाद वी कांगलांग एक सिल्वर नीडल को मंगाते हैं और जैसे ही उसके बॉडी के ऊपर में पंच करते हैं तो वहाँ पर सारा का सारा मियास्मा पॉइजन सामने आता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक में आ गए थे। और वो जो जेनेसिस रिविन मास्टर था वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर किआओ थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए खुद अपने हाथों से उसे मार देता है, ताकि जो भी असलियत थी सबके सामने ना आ सके। एक्चुअली में वो जो जेनेसिस रिविन मास्टर था उसने एक ऐसे रुइन को इस्तेमाल किया जिसके जरिए वो जो सारा का सारा पॉइजन था एक जगह पे एक्युमुलेट हो गया और उसका इफेक्ट बिल्कुल जीरो दिख रहा था। और इन फ्यूचर चल के एक साल बाद वो जो पॉइजन था वो वापस से उबर गया था, और इस बार अगर वो उबरता तो उसे ठीक कर पाना इम्पॉसिबल था। ये सभी चीजें याव्या बताती है।
इसके बाद वी गंगलन की हाउ के ऊपर में थोड़ा सा नाराज थे, जिस वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं और सिर्फ कहते हैं कि इन लोगों को इनके रेसिडेंस में ले जाओ। की हाउ के जाने के बाद वी गंगलन याव को सॉरी बोलता है और कहता है कि अगर आपने इस चीज को पता कर लिया तो इसका इलाज भी आपको मालूम हो गई तो क्या आप इसको ठीक कर सकती हैं। तो वहाँ पर याव रिप्लाई करती है कि मैं नहीं ठीक कर सकती लेकिन ये कर सकता है, जोवान की तरफ इशारा करती है वो। और जोवान थोड़ा टेंशन में क्योंकि अभी तो उसने बस स्टार्ट ही किया जेनेसिस ब्रेन मास्टर करना और वो मियास्मा पॉइजन से कैसे हैंडल करेगा। जिसे सुनने के बाद वी कांगलांग काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप लोग इसे क्योर करने की ट्राई करिए। तो फिर उसके बाद जोवान याव से पूछता है कि आपको जरूर कोई ना कोई तरीका पता होगा जिससे हम लोग मियास्मा पॉइजन को ठीक कर सके, और मैं तो अभी थर्ड ग्रेड का जेनेसिस रेन मास्टर भी नहीं हूँ तो मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो याव कहती है कि तुम कर सकते हो, बस इस सभी चीजों को यहाँ पर ढूंढ के ला दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक इम्प्रिंट सिखाऊंगी, उसे इस्तेमाल करना, वो सारा का सारा पॉइजन खत्म हो जाएगा। और जब याव उस लिस्ट को उन लोगों के सामने लाती है तो सोयो भी उसके साथ, वो जो जनरल आया था वो, और जोवान इस लिस्ट को पढ़ के पागल हो जाते हैं क्योंकि इस लिस्ट के अंदर हमें टॉप क्लास के पॉइजन बीस्ट के ब्लड सैंपल चाहिए थे। इसके बाद जोवान कहता है कि क्या आप उसे मारना चाहती है क्योंकि वी कांगलन ने आपकी इंसल्ट कर दी थी। तो उसके बाद याव जैसे उसकी तरफ देखती तो वो शांत हो जाता है और फिर वो जो मेडिसिनल आइटम्स है उसे ढूंढने के लिए सोयोवी और वो जो जनरल सभी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जोवान भी वहाँ से उठ के निकलने ही वाला था तभी पीछे से याव बोलती है जोवान को कि अगर वी कांगलांग तुम्हारी शर्तों को नहीं भी मानते ना तो क्या तुम उसे ठीक करते। तो जोवान वहाँ पे कुछ भी नहीं रिप्लाई करके चला जाता है। एक्चुअली में जोवान ने वहाँ पे दो तरीके की शर्तों को रखा जिसके अंदर वो चाहता था कि अगर वो वीविन को ठीक कर देता है तो वी कांगलांग उसे ब्लैक वाटर रुइंस के अंदर में हेल्प करेंगे, साथ ही साथ उसे वो जो मेडिसिनल आइटम चाहिए जिसके जरिए उसकी कल्टीवेशन वो स्टार्ट कर सके वो चीज़ वी कांगलांग के ट्रेजरी से उसे चाहिए होगा। और वी कांगलांग इन दोनों शर्तों को काफी आसानी से मान जाता है, लेकिन अगर वी कांगलांग इन सभी शर्तों को नहीं भी मानता तो जोवान उसे ठीक करने का पूरी तरीके से ट्राई करता क्योंकि वीविन जब उस मियास्मा पॉइजन से तड़प रहा था तो जोवान उसकी तकलीफों को समझ सकता था क्योंकि पहले उसके ऊपर भी एक तरीके का ऐसा ही पॉइजन था जिससे वो झेल चुका है और अब वो समझ सकता है कि वीविन के ऊपर में क्या बीत रही होगी। तो वो पूरी तरीके से ट्राई करता कि वो उसे ठीक कर सके। इसके बाद जोवान और याव ने वो जो 10 दिनों का टाइम मांगा था उस बीच जोवान को वो उस तरीके का रोहन इम्प्रिंट को सिखा देती है जिससे उसकी बॉडी के ऊपर में अप्लाई करना था। और इसी 10 दिनों के बीच सभी लोगों को पता चल जाता है कि जोवान ने कई तरीके के पॉइजन्स को मंगाया, जिसके बाद सबको समझ नहीं आता कि आखिर वो कर क्या रहा है। यहाँ तक कि वी कांगलांग और उसकी बेटी भी अभी भी कंफ्यूज थी, लेकिन उधर किया वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अगर जोवान किसी तरीके की गलती करता है जिस वजह से वीविन मर जाए तो वी कांगलांग उसके ऊपर में काफी ज्यादा नाराज होंगे जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ हम लोग उठाएंगे। और अब 10 दिन बीत चुके थे, फाइनली वो दिन आ चुका था कि वीविन के ऊपर में इस मान इम्प्रिंट का इस्तेमाल किया जाए। और जोवान उस सभी मेडिसिनल आइटम्स को लेकर उसके रूम में पहुंचता है, वहां पे सभी लोग प्रेजेंट थे किया को छोड़कर। और जोवान जैसे उन सभी मेडिसिनल आइटम्स को मिला रहा था यानी कि पॉइजन को, उससे काफी गंदी बदबू आ रही थी जिससे देखकर सभी लोग शॉक में आ चुके थे। लेकिन जब उन सभी मेडिसिनल आइटम्स को वो मिला लेता है यानी कि पॉइजन को, तो वो इमान इम्प्रिंट को बनाना स्टार्ट करता है, उसकी बॉडी के ऊपर फर्स्ट ग्रेड का वन इम्प्रिंट को इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो सारा का सारा मियास्मा पॉइजन बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ही वो सेकंड ग्रेड का वन इम्प्रिंट को इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो उसे सील करेगा यानी कि उसे अब्सॉर्ब करने का ट्राई करेगा, और उसको वो काफी देर तक इस्तेमाल कर रहा था। बार बार वो ग्रेड वन ग्रेड टू को इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उसको काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सके, लेकिन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फाइनली वो जो मियास्मा पॉइजन था अब कंट्रोल में आ चुका था। लेकिन जैसे ही वो 2 घंटे बीतते हैं वो मियास्मा पॉइजन अचानक से इरप्ट होता है, बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जोवान फिर से एक और नई तरीके का वन इम्प्रिंट को इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो जो मियास्मा पॉइजन था वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके 15 मिनट बाद ही वो जो वीविन था वो पूरी तरीके से ठीक हो गया, जिसे देखकर उसके सिस्टर और उसके डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं और जोवान के सामने घुटने टेक कर उसे थैंक यू बोलते हैं। और जोवान जैसे उसे ठीक कर देता है तो उसका सर थोड़ा चकराने लगता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मिड इल्यूजनरी स्टेज में था, इतने सारे वन इम्प्रिंट को उसको बार बार इस्तेमाल करना, उसे कंट्रोल कर पाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था, जिस वजह से उसका सर चक्कर खाता, वो गिर जाता सीधा याव के गोद में। उसी दौरान वहां पर वो जो टुनटुन था उसके ऊपर में गुस्सा होता है, तभी वो अचानक से होश में आकर वापस खड़ा हो जाता है। इसके बाद वी कांगलांग ने जैसा उसके ऊपर प्रॉमिस किया था वो जो ट्रेजरी था वो उसे लाके दे देता है और साथ ही साथ वो उसे प्रॉमिस करता है कि ब्लैक वाटर रुइंस के अंदर में वो उसे असिस्ट करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही रहा, तो और भी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हैं।